कि मिलो अभी बेस्ट प्रोबेबल में है एशियन गेम्स के लिए, और भी हम रिसेंटली 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक हमारा एशियन गेम्स का कैंप चला है एन एस पटियाला। तो ये टूर जो हम उसको स्टार्ट गए, एक तरीके से रोड टू एशियन गेम्स भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि फेडरेशन ने इसमें इनको चेक करने के लिए, क्योंकि पिछले कोविड ड्यू टू कोविड 19 से कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई है, तो प्लेयर को एक फॉरन एक्सपोज देने के लिए, उनको चेक करने के लिए केयर दिया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया स्कीम चलाई है उसके अंदर में प्लेयर्स को क्या एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है, टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं बच्चों को, उसमें फाइनेंशियली भी बच्चों की हेल्प हो रही है। दूसरा अभी उसी के बेसिस पे इन बच्चों का जो हमारे सब जूनियर जूनियर टीम गई थी जिसका उसमें गोल्ड मेडल था, उसके ही बेसिस पे उसको ये टूर मिला था मॉस्को सुस्टा, तो वहाँ पर भी प्लेयर्स का चेक हुआ है, उनको एक एक्सपोजर मिला है बहुत अच्छा, और इन फ्यूचर उनको कॉम्पिटिटर मिले हैं। अभी तक वो इंडिया में ही खेल रहे थे, अभी उन्होंने बाहर जाके देखा है कि उन्होंने इंडोनेशिया चाइना को भी बीट किया हमारे बच्चों ने।